हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के थ्रू आप नोट डाउन कर सकते हैं एंड समझ सकते हैं क्विकली कक्षा 6 की इतिहास की बुक का अध्याय 3 आरंभिक नगर। और शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य शहर हैं मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगान एंड धोलावीरा। कार्नेलियन सुंदर लाल पत्थर है। फेयंस एक ऐसी सामग्री है जिसे कृत्रिम रूप में उत्पादित किया जाता है और उसको मोतियों, चूड़ियों, बालियों, छोटे बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। धोलावीरा एक हड़प्पन शहर है जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। विशेषज्ञ वह व्यक्ति होता है जिसे एक प्रकार का काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे कि पत्थर काटने का या मोतियों को चमकाने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पुरातत्वविदों को कैसे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में कपड़े का उपयोग किया जाता था? तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे यानी पुरातत्वविद थे, उनको कुछ बर्तन मिले, जैसे चांदी के फूलदान मिले, कुछ तांबे की वस्तुएं मिली और उन्होंने देखा कि ये कपड़े से ढके हुए थे, कपड़े के टुकड़े पाए गए। और फिर तकलियां मिली जो सूत कताई के संकेत देती है, तकलियों से के ऊपर धागा लपेटा जाता था। तो इसका मतलब है उन्होंने ये आइडिया लगाया कि वहां पे उस वक्त कपड़े का भी उपयोग होता था। फिर अगला क्वेश्चन है, कच्चा माल क्या है? हड़प्पा वासियों को कच्चा माल कहाँ से मिला? सो कच्चा माल जो है वो तैयार माल को बनाने के लिए संसाधित किया जाता है। कॉपर लाया गया राजस्थान और ओमान से, टिन को लाया गया अफगानिस्तान और ईरान से, गोल्ड कर्नाटक की माइन से आए, कीमती पत्थर ईरान, गुजरात, अफगानिस्तान से आए और इन सब का इस्तेमाल था। इसका मतलब मार्केट्स भी थी, ट्रेडिंग भी होती थी। हड़प्पा वासियों के लिए धातु, लेखन, पहिया और हल महत्वपूर्ण क्यों थे? धातुएं उपकरण, आभूषण, बर्तन, हथियार बनाने के लिए उपयोग की जाती थी। लेखन संचार के उद्देश्य के लिए, पहिया मिट्टी के बर्तनों के लिए और यात्रा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों को बनाने के लिए किया जाता था। और हल जो था वो खेती के उद्देश्य से उपयोग किया जाता था। चौथा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषताएं लिखिए, यानी टाउन प्लानिंग की विशेषताएं। तो पहली बात तो ग्रिड पैटर्न, हड़प्पा शहरों ने ग्रिड पैटर्न का अनुसरण किया था जिसका अर्थ है समानांतर रेखाओं का नेटवर्क। किलेबंदी, आमतौर पर जो शहर थे उनके आसपास सुरक्षात्मक दीवारें होती थी। पकी हुई ईंटों का उपयोग किया गया इंटरलॉकिंग पैटर्न में। फिर बहुमंजिला इमारतें पाई गई और ये देखा गया कि प्रत्येक घर को स्नान क्षेत्र कुएं और आंगन से सुसज्जित किया गया था। महान स्नानघर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक बहुत ही विशेष टैंक था जिसे मोहन जोदड़ो में बनाया गया था और इसके ऊपर वन मार्कर भी क्वेश्चन आते हैं। फिर अन्न भंडार देखे गए जहां पे अन्न को संभाल कर रखा जाता था। नियोजित जल निकासी प्रणाली को भी ढूंढा गया, नालियों को कवर किया गया था, उनको सीधी रेखा में बनाया गया था। हर घर में शहर के बाहर नाली से जुड़ा एक ड्रेनेज सिस्टम था और प्रत्येक नाली में कोमल ढलान भी थी। हड़प्पा के लोगों के आर्थिक जीवन पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था, गेहूं उगाया मुख्य रूप से, नहर की सिंचाई भी थी, नहर के थ्रू सिंचाई होती थी और कीमती पत्थरों और अन्य धातुओं में कारोबार किया। शिल्प व्यक्ति और कारीगर थे जो कि कई चीजें बनाते थे, जैसे कि मनका बनाना। कपास उगाना शुरू किया हड़प्पा के लोगों ने और सूती कपड़े पहने। हड़प्पा मोहर और मोहर बंदी का वर्णन कीजिए, छठा क्वेश्चन। तो हड़प्पा की मोहरों का इस्तेमाल उन बैग या पैकेटों पर मोहर लगाने के लिए किया जा सकता है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान भेजा जाता था, जैसे आज भी हमारे पास सील्ड पैकिंग होती है। तो बैग बंद होने के बाद गांठ जो होती थी उसके ऊपर गीली मिट्टी की एक परत लगा दी जाती थी और उस पर मोहर से दबा दिया जाता था। इससे ये हो जाता है कि चीज ओरिजिनल है और सही जगह से आई है। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसका कोई श्योर कारण किसी को नहीं पता है, लेकिन शायद कुछ कारण है। हो सकता है नदियां सूख गई हो,
प्राकृतिक आपदाएं या बाढ़ आ गई हो, जैसे कि बाढ़ आ गई हो, या बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की गई हो। अगला प्रश्न, पिरामिड क्या है? लगभग 5,000 साल पहले मिस्र पर शासन करने वाले राजाओं ने पिरामिडों के रूप में ज्ञात विशाल कब्रों का निर्माण किया था। जब वे मर गए तो राजाओं के शवों को उसमें संरक्षित किया गया और अन्य वस्तुएं जैसे भोजन, कपड़ा आदि के साथ दफनाया गया। उनके नौकरों को भी कई बार दफना दिया जाता था और इन शवों को ममी कहा जाता था। ये माना जाता था कि मरने के बाद जो राजा रानी है तब भी उनको उन सारी वस्तुओं जैसे भोजन, कपड़ा, नौकर, इन सब की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए उनके साथ उन लोगों को भी दफना दिया जाता था। आपको क्या लगता है हड़प्पा शहर के लोगों का जीवन एक दूसरे से अलग कैसे था? तो सबसे पहले तो शासकों की बात करते हैं। शासक वे लोग थे जिन्होंने शहरों की योजना बनाई और उन्होंने धातु, कीमती पत्थर आदि प्राप्त करने के लिए लोगों को दूर की भूमि पर भेजा, सोना चांदी जैसे मूल्यवान वस्तुओं को रखा। फिर थे लेखक, ये वो लोग थे जो लिखना जानते थे और सील के तैयार करते थे। फिर थे शिल्पकार, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घर में विशेष कार्यशाला में सभी तरह की चीजें बनाई, जैसे चाहे मोतियों का काम हो, चाहे कोई ब्रिक्स बनाने का काम हो। अगला प्रश्न, दुर्ग एवं निचले नगर से आप क्या समझते हैं? हड़प्पा के अधिकांश शहर दो या अधिक भागों में विभाजित थे। जो पश्चिम का हिस्सा था वो छोटा था लेकिन उच्चतर था और इसे दुर्ग कहा जाता था, जैसे मोहनजोदड़ो का निर्माण दुर्ग पर किया गया था। और आम तौर पर जो पूर्व का हिस्सा था वो बड़ा था लेकिन कम था, मतलब छोटा था, निचला था। तो पश्चिम का हिस्सा छोटा है लेकिन ऊंचा है, पूर्व का हिस्सा बड़ा है लेकिन कम की जगह बेटर होगा कि आप इसमें लिखें कि वो निचला हिस्सा था, तो इसे निचला नगर कहा जाता है। मैंने यहाँ करेक्शन कर दिया, बड़ा था लेकिन निचला था, तो इसे निचला नगर कहा जाता था। अब है मानचित्र का कार्य, तो ये 9 पॉइंट्स मुझे लगे जो मार्क करवाए जा सकते हैं टीचर के द्वारा बच्चों को। और ये इसका जो मैप वर्क है इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, पूरे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्लास 6 के मैप वर्क पे एक वीडियो है जो चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसको देखिए। और उसमें सिलेबस में जितने भी पॉसिबल मैप्स आ सकते हैं सारे ही अवेलेबल हैं। सो ये थे इस लेसन के नोट्स, पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।